गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स. बेटा आज हमारा टॉपिक है यूनिट फोर्थ का फर्स्ट, कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, देन उसकी क्लासिफिकेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बजट होता क्या है. ए बजट इज़ ए प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी विच प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. मीन्स की बजट बेटा वो चीज़ होती है जो हम एक पूरे साल का चाहे सिक्स मंथ का बजट बना के चलते हैं. लेट सपोज जैसे आपने सोचा कि हमने घर रेनोवेट करना है या घर बनाना है, आप एक मिस्त्री से एस्टिमेट लगा लेते हो कि इतना बजट लगे, मीन्स कि कितने पैसे लगेंगे, हम उतना बजट एज्यूम करके चलें. ऐसे ही बिजनेस में होता है, जब आप अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप करते हो, आप एक बजट को साथ लेके चलते हो कि हमारा बजट कहाँ तक फॉलो करेगा, उसे उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या उसमें इनोवेशंस करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स करेंगे जो हमें एक्चुअल में क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एज ए गिवन पीरियड. मीन्स आपका प्रॉफिट कितना होगा उसमें, मीन्स कि ऐसा बजट तैयार करना है कि वो आपको आगे जाके सक्सेसफुल कर पाए. जैसे अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हॉट, ए बजट इज़ ए प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी विच प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. कि गिवन पीरियड में आपको एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड और कंपैरिजन करके बताता है कि आपने इतना अज्यूम किया था, आपका इतना बजट सक्सेसफुल रहा है. ये एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट होती है, मीन्स कि एक्चुअल स्टेटमेंट करने से पहले हम एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट को करते हैं कि हमारा बजट इतना है और हमारा बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा. अगर लेट सपोज आप मार्केट भी जाते हो, आप एक माइंड में रख लेते हो कि हाँ हमने इतने पैसे ले लिए हैं, इतने तक हमारी चीज़ आ जाएगी, वो होता है हमारा एक बजट कि हमने इतने पैसे खर्चने हैं, उसमें ही हमारा एक बजट है जो कंट्रोल हो जाएगा. नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस बजट फॉर द बिजनेस यूनिट इन फ्यूचर. मीन्स कि आप फ्यूचर के रिगार्डिंग यूनिट्स जो बिजनेस की बनाते हो, वो उसे डिटरमाइन करते हो कि कैसे कंट्रोल करना है हमने बजटरी सिस्टम को. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू बजट प्रिपरेशन. कैसे प्रिपेयर करना है वो बजट को और कैसे इसके सिस्टम को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है. ये नहीं कि आपको इतना बजट बता दिया तो देन आपने उतना ही सारा लगा देना. नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. मीन्स कि जो आपको बताया गया है उससे भी कम आपने कॉस्ट को यूज़ करना है ताकि आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न हो सके. नेक्स्ट आते बेटा आपका ऑब्जेक्टिव्स और बजटरी कंट्रोल. अब एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजटरी कंट्रोल का. हेल्प्स टू प्लान एंड कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन की कितनी आपकी इनकम्स हुई हैं, कितने आपके खर्चे लगे हैं, उनको प्लान करना देन उनको कंट्रोल करना. मीन्स इनकम, जैसे इनकम आउटकम कितनी आई है, कितनी गई हैं. देन ऑब्जेक्टिव है आपका सेकेंड, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स आपका जो बजट आपने बनाया है उसमें बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है आपको वो देखना है. नेक्स्ट, प्रोवाइड एडिक्यूट कैपिटल ऑफ फॉर वर्किंग. मीन्स उनको वर्किंग के रिगार्डिंग एडिक्यूट कैपिटल प्रोवाइड करनी, मीन्स एक बजट को कंट्रोल करके. एडिक्यूट मीन्स एक्यूरेसी, मीन्स करेक्टनेस. आपको कैपिटल प्रोवाइड करनी वर्किंग के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में. देन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड डिफरेंट यूनिट्स एक्टिविटीज़ को कोरिलेट करना, कोऑर्डिनेट्स बनाना. मीन्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे आप काम कर रहे हो, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है आपके बजटरी कंट्रोल को कंट्रोल करने का. हेल्प टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस. आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक लेवल कर रही है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, वो बताना होता है कि आप बजट को कैसे कंट्रोल कर पाते हो अपने बिजनेस में.
देन आता है डिसेंट्रलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना हटना पीछे, मीन्स जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, देन उनको आगे सर्वाइव करना है, बताना है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, मैंने इस काम को ऐसे कंट्रोल किया। आपकी बेटा आगे क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं बजट की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस, उसमें आता है सेल बजट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन उसमें सेकंड आती है प्रोडक्शन बजट, देन लेबर बजट, देन फोर्थ वन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, देन दूसरी बेस्ड आती है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, प्रॉफिट बजट, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट। क्लासिफिकेशन में दो टाइप होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड, एक बेटा आपकी आती है बेस्ड ऑन टाइम। वन बाय वन पहले हम करेंगे फंक्शंस की आज, फिर हम कल करेंगे टाइम की। फर्स्ट आपकी आती है सेल बजट। अब जो आपका बजट था उसके रिगार्डिंग आपकी क्या सेल हुई है, इट इज़ अ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल ड्यूरिंग ए बजट पीरियड। द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर प्लांट कैपेसिटी, पास्ट सेल डाटा। इसमें क्या हम देखते हैं, लेट्स सपोज, हाँ जी, इसमें क्या होता है कि हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी इतनी सेल होगी और उसके रिगार्डिंग हम अपनी पास्ट सेल का कंपैरिजन करते हैं, किसमें, सेल बजट में। देन आती है प्रोडक्शन बजट, जो भी हमने बनाया प्रोड्यूस किया है कि हमें आउटपुट क्या मिली है उसके अकॉर्डिंग, उस पीरियड के अकॉर्डिंग हमें क्या एनालाइज हुआ है, कितनी हमने प्लांट कैपेसिटी की थी, कितने रिसोर्स अवेलेबल थे, कितनी सेल रिक्वायरमेंट थी, वो सारा किस में आता है बेटा, एक प्रोडक्शन बजट में। देन नेक्स्ट वन इज लेबर बजट। अब लेबर में कितने असेंशियल्स प्रोडक्शंस टारगेट अचीव किए हैं हमने, रिक्वायरमेंट्स किस किस की थी, हमने किसको किस टाइम बुलाया, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लेबर का बजट था। नेक्स्ट वन इज आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या करता है कि आपकी आपके जो खर्चे हैं, मीन्स पैसे के रिगार्डिंग, इट इंक्लूड्स ऑल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो आपकी, वो होती है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। देन नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। हमने अपने न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया, कैसे रिक्वायर किया, उस पर कैसे फोकस किया और हमारा बजट रिजल्ट कैसे हमें रियलाइज हुआ, मीन्स हमें प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज हुआ उसमें, वो देखेंगे हम बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट में। नेक्स्ट वन इज आता है प्रॉफिट बजट। अब हम मास्टर बजट मीन्स प्रॉफिट बजट, जब हमने सब कुछ कंज्यूम कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, सेल कर लिया, लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ एक बजट के रिगार्डिंग। कल आपकी आएगी बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, ये हम कल करेंगे, आज की आपकी थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एनी डाउट होगा बेटा तो आप मेरे से कभी भी पूछ लेना। थैंक यू सो मच।